नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी 67वीं मुख्य परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान। पहली बार परीक्षा के चार दिन बाद ही आया क्लैट का रिजल्ट। बिहार के गोपालगंज के मुकेश को दिल्ली कैपिटल्स ने 5.5 करोड़ में खरीदा। बिहार कैडर के कई आईपीएस अधिकारियों का हुआ प्रमोशन। आईपीएल ऑक्शन में खरीद लिया सीएसके का अगला कप्तान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्कूल बंद करने को लेकर समीक्षा कर डीएम लेगी फैसला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बिहार में बढ़ते ठंड से स्कूल बंद करने को लेकर राज्य के सभी डीएम को एडवाइजरी जारी कर निर्देश दिया है कि वे अपने जिले में जल्द से जल्द ठंड और शीतलहर की समीक्षा कर सभी सरकारी स्कूलों को 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 तक बंद करने पर विचार करें। बता दें कि बिहार में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। कई जिलों के न्यूनतम तापमानों में गिरावट देखने को मिल रही है। इन्हीं को देखते हुए बच्चों के अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों ने सरकार से सरकारी स्कूलों को बंद कराने की मांग की, जिसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा सभी डीएम को यह निर्देश दिया गया है। बिहार कैडर के कई आईपीएस अधिकारियों का हुआ प्रमोशन। गृह विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार कैडर में बड़ी संख्या में आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। इसमें 4 आईपीएस अफसरों को आईजी से डीएडीजी, 9 को डीआईजी से आईजी और 8 को एसपी से डीआईजी रैंक में प्रमोशन दिया गया है। इसके अलावा 11 एसपी रैंक के पुलिस अफसरों को कनीय प्रशासनिक कोटि से प्रवर कोटि यानी सिलेक्शन ग्रेड में प्रोन्नति दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन आईपीएस अधिकारियों को दी गई है उनमें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए मनु महाराज का भी नाम शामिल है, जिन्हें आईजी पद पर प्रमोशन दिया गया है। बता दें कि कुल 32 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है। शराब कांड पर एनसीपीआरसी ने बिहार मुख्य सचिव को लिखा पत्र। छपरा जहरीली शराब कांड को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा भी बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिख यह कहा गया है कि विभिन्न समाचार माध्यमों से मिली जानकारी के अनुसार जहरीली शराब से बहुत से बच्चे अनाथ हो गए, इसलिए उन बच्चों के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस बारे में सरकार पूरी रिपोर्ट तैयार कर 15 दिनों में उपलब्ध कराए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या 73 हो चुकी है। बिहार के गोपालगंज के मुकेश को दिल्ली कैपिटल्स ने 5.5 करोड़ में खरीदा। बीते दिन शुक्रवार को कोची में हुए आईपीएल के नीलामी समारोह में बिहार के गोपालगंज काकरकुंड में रहने वाले मुकेश कुमार को दिल्ली कैपिटल के द्वारा 5.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। बता दें कि मुकेश का बेस प्राइस 20 लाख रुपए था, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 27.5 गुना कीमत देकर अपनी टीम में शामिल किया है। मुकेश कुमार के चयन के बाद और उन्हें लगातार मिल रही उपलब्धियों के बाद परिजनों और ग्रामीणों के बीच एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई है। मुकेश कुमार ने 2014 में बंगाल क्रिकेट संघ के ट्रायल में हिस्सा लिया। बीपीएससी 67वीं मुख्य परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी 67वीं मुख्य परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि नई घोषणा के अनुसार यह परीक्षा 3 दिन यानी कि 30-31 दिसंबर 2022 और 7 जनवरी 2023 को आयोजित की जाएगी। इन तारीखों में से पहले एक दिन परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, जिसका समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। वही 31 दिसंबर 2022 और 7 जनवरी 2023 को होने वाली यह परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहला पेपर सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक की ली जाएगी, तो वहीं दूसरा पेपर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक की होगी। पहली बार परीक्षा के चार दिन बाद ही आया क्लैट का रिजल्ट। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2023 का रिजल्ट पहली बार परीक्षा के चार दिनों बाद ही कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन इस बार स्टेट रैंक जारी न कर केवल ऑल इंडिया जनरल रैंक व कैटेगरी रैंक को जारी किया गया है। बता दें क्लैट यूजी से प्राप्त उच्चतम अंक 116.75 है, जबकि क्लैट पीजी से प्राप्त उच्चतम अंक 95.25 है। परीक्षा में लॉ प्रेप के साहिल ने पटना में रहकर ऑल इंडिया में दूसरा रैंक हासिल किया है, तो वहीं नाव्या को ऑल इंडिया में 6th रैंक मिला है। अगर अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वे consortiumofnilus.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। मणिपुर के खिलाफ ड्रॉ मैच में बिहार को मिले अतिरिक्त अंक। बिहार की टीम मणिपुर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में अपने दूसरे मैच में पूरे अंक लेने से चूक गई थी। ड्रॉ हुए मैच से पहली पारी की बढ़त के आधार पर बिहार को 3 अंक मिले। बता दें कि बिहार ने पहले मैच से बोनस समेत 7 अंक हासिल किए थे, जिसके बाद बिहार के पूरे अंक मिलाकर अब कुल 10 अंक हो गए हैं। अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज ग्राउंड ए पर मणिपुर के खिलाफ खेले जा रहे इस मुकाबले के 4th दिन बिहार ने 8 विकेट खोकर 221 रन से आगे खेलना शुरू किया।
था, जिसके बाद बिहार ने 81 ओवर में 9 विकेट पर 287 रन बनाकर घोषित कर दी। जवाब में मणिपुर की टीम के द्वारा खेल समाप्त होने तक 74 ओवर में 8 विकेट खोकर 248 रन ही बना सकी, जिस वजह से यह मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। 6 साल बाद फिर से शराबबंदी पर हो सकता है सर्वे। बिहार में हुई जहरीली शराब कांड को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। ऐसे में चारों ओर से घिरे नीतीश कुमार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वो बिहार में घूम घूम कर शराबबंदी का फायदा लोगों को बताएंगे। इसके साथ ही एक बार फिर 6 साल बाद शराबबंदी पर सर्वे करवाया जा सकता है। मुख्यमंत्री की यह सारी तैयारी 2024 में बीजेपी को जवाब देने के लिए की जा रही है। मुख्यमंत्री के द्वारा यह दावा किया गया था कि शराबबंदी को लेकर जो सर्वे कराई गई थी उसमें पाया गया था कि शराबबंदी के बाद शराब बेचने वाले लोग दूध, सब्जी, फल और कपड़ा में लग गए थे। बिहार के मंत्री सुमित सिंह करेंगे नेत्रदान। आज पटना स्थित IGIMS के नेत्र विभाग में बिहार के मंत्री सुमित सिंह ने नेत्रदान के लिए सहमति दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, नेत्रदान महादान है, मेरी आंखें किसी नेत्रहीन के काम आएगी तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि मैंने अपना जीवन अपनी जनता और उनकी सेवा के लिए समर्पित किया है। जन प्रतिनिधि के तौर पर यह नेत्रदान मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो समाज में इस महादान के पक्ष में सकारात्मक संदेश देगा। मेरी आंखें किसी नेत्रहीन के जीवन में उजाला लेकर आएगा, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। BSSC पेपर लीक की होगी जांच, चंद्रशेखर। BSSC पेपर लीक मामले को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय सीधे स्वायत्तता है, वहां सरकार से संचालित नहीं होती है। सरकार कामधेनु के रूप में केवल रुपया देने का काम करती है। प्रशासनिक मामले में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, हम लोग पत्राचार करते हैं। सत्र को नियमित करने के लिए कमेटी बनाई गई है, कमेटी में 9 सदस्य है। प्रतिवेदन आएगा, सरकार मेमोरेंडम देगी। उन्होंने कहा है कि सीधे यह समझिए कि कुलाधिपति विश्वविद्यालय के मामले में सुप्रीम बॉडी है। लालू को अस्पताल से मिली छुट्टी। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का बीते 5 दिसंबर को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उनकी किडनी का प्रत्यारोपण हुआ था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। फिलहाल उन्हें सुविधा के लिए माउंट एलिजाबेथ अस्पताल के निकट ही एक आवास में रखा गया है। मिली जानकारी के अनुसार लालू यादव को पूरी तरह से स्वस्थ होने में कम से कम 1 महीने भर का समय लगेगा, जिसके बाद ही वह फरवरी 2023 के अंतिम या मार्च के पहले सप्ताह में स्वदेश लौट सकते हैं। वहीं इस बार नए साल जश्न लालू यादव सिंगापुर में ही मनाने वाले हैं। नीतीश के राज्य यात्रा पर बीजेपी ने कसा तंज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए साल पर राज्य की यात्रा पर निकलने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी के द्वारा इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर तंज कसा गया है। पूर्व मंत्री एवं बीजेपी नेता जीवेश मिश्र ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी यात्रा पर निकलने से पहले अपनी पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। जहरीली शराब से जिन लोगों की मौत हुई है, लेकिन उसके लिए मुआवजा तो छोड़ो, सीएम नीतीश के मुंह से संवेदना का एक शब्द तक नहीं निकला। उन्होंने जो पाप किया है उसके लिए उन्हें कांवड़ यात्रा पर जानी चाहिए और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने दी अपने विधायकों को नसीहत। बीते दिन शुक्रवार को राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित राजद विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को नसीहत देते हुए कहा कि उनके गठबंधन के बारे में कौन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान ना दें और लगातार अपने लोगों के संपर्क में रहे और लोगों से बातचीत कर उनके दिक्कतों को जाने और उनके समाधान में लगे रहे। बता दें कि यह बैठक पार्टी के बूथ स्तर पर प्रस्तावित 11 सदस्यीय कमेटी के गठन के संबंध में थी, जिसमें सभी विधायकों को टास्क दिया गया है कि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक बूथ पर 11 लोगों की कमेटी बनाए, जो सभी जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके। IPL ऑक्शन में खरीद लिया CSK का अगला कप्तान। IPL की दूसरी सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK ने मिनी ऑक्शन 2023 में लखनऊ सुपर जायंट से जबरदस्त जंग कर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को 16.25 करोड़ रुपए में खरीद कर अपनी टीम में शामिल कर लिया है, जिसके बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के IPL संन्यास लेने के बाद बेन स्टोक्स को CSK का कप्तान बनाया जा सकता है। इसके साथ ही यह भी कयास लगाया जा रहा है कि बेन की खरीदने के पीछे महेंद्र सिंह धोनी का हाथ था, क्योंकि अगर वह IPL से संन्यास ले लेते हैं तो बेन स्टोक्स को CSK का अगला कप्तान बनाया जा सकता है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल का कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.35 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत
94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.62 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.25 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पवन सिंह, कुश कुमार यादव, नुनू गोलू कुमार, मृत्युंजय कुमार, कविता कुमारी, रविशंकर, अनवर करीम खान, रवि कुमार राम, कुमारी संजना, के सिन्हा, विजेंद्र सिंह, जुबैर आलम, भान प्रकाश मौर्य, रंजीत यादव, रवि यादव। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार नीतीश कुमार के द्वारा किए जाने वाले राज्य यात्रा से 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को कितना फायदा मिल सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।